2024 का आईपीएल मुंबई इंडियन के लिए बहुत ही खराब रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह रही हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बना के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब 2024 के आईपीएल के बाद में यह खबर निकल के सामने आ रही है कि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियन को बाय बाय बोल दिया है। सभी पूर्व खिलाड़ियों और कमेंटर्स का भी यही मानना है कि लखनऊ के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को अपना अंतिम मुकाबला खिलाया है, या फिर बोले कि रोहित शर्मा ने मुंबई के लिए अपना अंतिम मुकाबला खेला है। लखनऊ से अपना अंतिम मुकाबला हारने के बाद में नीता अंबानी ने रोहित शर्मा के साथ कुछ बातचीत की और जहां तक सूत्रों का मानना है कि यह बातचीत मुंबई इंडियंस का 2024 में आईपीएल प्रदर्शन को लेकर हो रही थी और यह भी हो सकता है कि इस बातचीत में नीता अंबानी रोहित शर्मा को 2025 में आईपीएल खेलने के बारे में पूछ रही हो। लेकिन रोहित शर्मा के बारे में अगर बात करें तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से बहुत ज्यादा नाराज है। यहां तक कि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या से भी काफी नाखुश है। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के सिलेक्शन के बाद में यह खबर भी सामने निकल के आई कि रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को टी20 टीम से बाहर करने की कोशिश की है। तो अब देखना होगा क्या मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को 2025 आईपीएल के लिए मना सकती है क्या। लेकिन रोहित शर्मा इतने बड़े प्लेयर हैं और साथ ही टीम इंडिया कप्तान भी है, तो रोहित शर्मा की टीम को बदलना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो अब आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।